बिसमीम इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर टू सेंस ऑर्गन्स वर्ल्ड अराउंड अस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हमारे आस पास जो हमारी दुनिया है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है अल्लाह अल्लाटी हैज़ ब्लेस्ड अस विद फाइव सेंस ऑर्गन्स टू एंजॉय दि वर्ल्ड अल्लाह की ज़ाद ने हमें फाइव सेंस ऑर्गन्स जो आप जानते हैं आपके जो फाइव सेंस ऑर्गन्स है इससे नवाजा है ताकि हम इस दुनिया को इंजॉय कर सकें सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशल पार्ट ऑफ आवर बॉडी डेट आर आस वाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड आस जो सेंस ऑर्गन होते हैं ये हमारी बॉडी का स्पेशल पार्ट है जो हमें बताते हैं कि हमारे आस पास क्या हो रहा है और आइस ईयर स्किन नोज़ टंग एंड सॉरी और सेंस ऑर्गन ये जो सेंस ऑर्गन बताएंगे eyes, ईयर skin, nose and tongue फाइव five वो, वो sense organs हैं जो हमें डिफरेंट चीज़ों को सेंस करने में हेल्प करते हैं ऑल दीज सेंस organs आर लिंक टू दी ब्रेन by nerves ये सारे जो सेंस organs हैं ये ब्रेन के साथ लिंक्ड होते हैं कनेक्टेड होते हैं nerves के थ्रू नर्व्स वो बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन सेंस ऑर्गन्स का मैसेज लेकर ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन आगे से रिस्पॉन्ड करता है कि अब उन्होंने इस, इस इस अब ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है कि उसने इस मैसेज के रिप्लाई में क्या एक्शन परफॉर्म करना है और फिर वो एक्शन सेंस ऑर्गन्स के पास जाता है और सेंस ऑर्गन्स वही एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट सेंस ऑर्गन है वो है आई वो सी विद आवर आइज हम अपनी आइज़ के साथ देख सकते हैं और आई स्टेल आर्स अबाउट कलर्स शेप्स एंड मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड आर्स हमारी जो आइस होती हैं ये हमें कलर्स डिफरेंट कलर्स डिफरेंट शेप और मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के हमारे आस पास जो ऑब्जेक्ट्स जो चीज़ें ऑब्जेक्ट्स किसी भी स्पेशल थिंग किसी भी चीज़ को कह सकते हैं जो हमारे आस पास मूवकारी होती हैं इसके जरिए के थ्रू हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं दी आई इज़ एन ऑर्गन ऑफ साइड साइड कहते नज़ारा देखना आई जो होता है आई जो है ये देखने के लिए हम यूज करते एक ऐसा ऑर्गन है जो साइड के लिए यूज किया जाता है देखने के लिए यूज किया जाता है दी ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बाल ह्यूमन आई एक आई बाल आई बाल की तरह का स्ट्रक्चर होता है जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि ये एक आई बॉल बॉल की तरह का स्ट्रक्चर है दी आई बॉल कवर विद आई लेट्स आई जो बॉल है वो आई लेट्स के साथ कवर होता है अब आई लेट्स वो पार्ट होते हैं, हैं जिनके थ्रू आप अपनी आंखों को बर्न करते हैं ठीक है जब आप आंखों को बर्न करना चाहें तो जो कवरिंग आपकी आंखों के अंदर आंखों के सामने आपके आई बॉल के सामने आ, आ, आ जाती है उसे आई लेट्स कहते हैं आई लैश ऑन दी आई लेट्स कीप अवे डस्ट पार्टिकल्स जो आई लैश प्रजेंट होते हैं आई लेट्स के ऊपर यह डस्ट पार्टिकल्स को जितनी भी जो डस्ट पार्टिकल्स डस्ट होती है उसको आपकी आंखों से दूर रखते हैं आंखों में इंटर नहीं होने देते अंडर दी अपर आई आई लेयर्स टीयर ग्लैंड ओपन ओके जो आपके अपर यानी ऊपर वाले आई लेयर्स होते हैं उनके अंदर टीयर ग्लैंड होते हैं और ये वो ग्लैंड होते हैं जिनके थ्रू टीयर यानी आंसू बनते हैं मैनी पार्ट्स ऑफ आर आईस आर हमारी जो आई के जो पार्ट्स होते हैं मेन पार्ट्स सॉरी मेन पार्ट्स मेन पार्ट्स ऑफ आर आईस आर हमारी आईस के जो मेन पार्ट्स हैं वो हैं कॉर्निया आइरिस पिपल लेंस रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व एयर इज़ समिटेल अबाउट दी मेन पार्ट ऑफ मेन पार्ट ऑफ आई फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कॉर्निया इन द फ्रंट ऑफ आई द ट्रांसपेरेंट पार्ट इज कार्ल्ड कॉर्निया आई के फ्रंट में आई आईस के सामने जो आपको एक ट्रांसपेरेंट पार्ट एक ए, शफाफ सी जो एक लेर नज़र आती है वो कौर, वो कॉर्निया होती है लाइट रेज इंटर द आई थ्रू द्रू दॉर्निया कॉर्निया के थ्रू जो लाइट रेज होती हैं वो आइस के अंदर इंटर होती हैं आई रेस पीनीत दि कॉर्निया दी कलर्ड पोर्शन ऑफ आई इज़ कार्ल्ड आई रेस कॉर्निया के बाद जो एक कलर्ड पोर्शन आइस का जो नज़र आ रहा होता है उसको आइरिस कहते हैं हैव यू एवर ऑब्जर्व ब्राउन ब्लू एंड हेजल आइस ऑफ यूर फ्रेंड्स आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि डिफरेंट आई कलर नज़र आ रहे होते हैं जैसे आप लोग लेंस कहते हैं ठीक है कि लेंस के डिफरेंट कलर कलर हैं वो बेसिकली आइरिस के डिफरेंट कलर होते हैं देयर इज़ अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस आइरिस के दरमियान में एक होल होता है एक सुराख होता है उस सुराख को कहते हैं नॉन एस पीपल उस सुराख का नाम पीपल होता है दिस पीपल कॉन्ट्रैक्ट्स इन ब्राइट डे लाइट एंड एक्सपेंड इन डिम डे लाइट डिम लाइट ये जो पीपल होता है इसका काम ये होता है कि जब लाइट ज्यादा हो ब्राइट तेज ब्राइट लाइट हो तेज रोशनी हो तो आप अपनी आँखें सुकड़ लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा होती है और जब डिम लाइट हो कम लाइट हो तो आप जो अपनी आइस होती हैं जिसको आप कहते हैं कि हमने आइस एक्सपेंड कर लिए हैं हम से देख रहे हैं वो बेसिकली जो पीपल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रहा होता है नेक्स्ट इज लेंस बिहड दीपल पीपल के बाद अ फ्लेक्सिबल लेंस इज़ प्रेजेंट एक फ्लेक्सिबल लेंस प्रेजेंट होता है दिस लेंस हेल्प द आईज टू फोकस लाइट इस लेंस का काम ये होता है कि आईज की मदद करे जो जिस चीज़ को जिस लाइट को वो फोकस कर रहा है उसको गौर से देखने में उसको अच्छी तरीके से देखने में नेक्स्ट इज रेटिना द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बॉल इज कार्ड रेटिना अब आई बॉल का जो आई के पूरे स्ट्रक्चर का वो पार्ट जो लाइट को सेंस करता है ऑब्जेक्ट को सेंस करता है कि किस ऑब्जेक्ट को किस चीज़ को देखा जा रहा है उसको कहते हैं रेटिना आई लेंस फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना आई लेंस का काम ये होता है कि ये जो चीज़ देखें जो जो लाइट रे इसको इसके पास आए उसका एक इमेज वो रेटिना पे बना देते हैं इमेज एक पिक्चर सी बना देते हैं कि उसने क्या देखा है ऑप्टिक नर्व मैन लाइट हेट्स दी रेटिना जब भी कोई लाइट रेटिना को हेट करती है रेटिना से जाकर टकराती है इट्स सेल्स मेक नर्व सिग्नल तो उसके जो रेटिना के सेल्स होते हैं ये नर्व सिग्नल बना देते हैं नर्व सिग्नल एक मैसेज को कहते हैं वो वाले मैसेज जो ब्रेन के पास जाना होता है दिस सिग्नल्स पास अलॉन्ग दी ऑप्टिक नर्व टू दी ब्रेन फिर वो वाला नर्व सिग्नल नर्व मैसेज जो रेटना ने बनाया होता है रेटना के सेल्स ने बनाया होता है वो नर्व मैसेज एक नर्व जिसका नाम ऑप्टिक नर्व है ये नर्व वो मैसेज लेकर ब्रेन तक चली जाती है और ब्रेन को जाकर फिर वो नर ये नर्व जब ब्रेन तक पहुँचती है तो ब्रेन को पता चलता है कि हमारी आई ने किस ऑब्जेक्ट को देखा है कौन सी चीज़ देखी है और फिर तब जब दोबारा वो मैसेज लेकर नर्व आई के पास आती है तब हमें फील होता है कि हमने किस चीज़ को ऑब्जर्व किया है किस चीज़ को देखा है functioning of i ये फंक्शनिंग ऑफ आई बताई हुई है लाइट रे सबसे पहले कॉर्निया के पास जाती है जब भी हम कुछ लाइट लाइट रे कोई भी ऑब्जर्व करें कोई भी इमेज देखें कोई भी ऑब्जेक्ट देखें वो सबसे पहले कॉर्निया के पास लाइट uh, रे जाती है कॉर्निया उसको पीपल के पास भेज देता है पीपल उसको लेंस के पास बेचते हैं और लेंस एक इमेज बनाते हैं उस चीज़ का रैठना के ऊपर रैठना फिर उस इमेज को देख कर जब भी उसकी कोई इस तरह से लाइट रे टकराती है तो वो एक नर्व मैसेज एक मैसेज एक नर्व सिग्नल जनरेट करता है बनाता है और वो नर्व सिग्नल एक ऑप्टिक नर्व ले कर ब्रेन के पास जाती है और तब फील होता है आई को कि उसने किस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया है देखा है हेयर दी डायग्राम ऑफ आई ये जो आउटर लेयर आपको नजर आ रही है आउटर लेयर ये जो लाइट सी आपको लेयर नज़र आ रही होती है इसको कहते हैं कॉर्निया कॉर्निया के बाद ये जो आपको ब्लू कलर का ये जो लेयर्स uh, नज़र आ रही हैं दोनों साइड से ये जो दोनों तरफ प्रेजेंट है इसको कहते हैं आइरस बेसिकली ये कलर्ड पोर्शन होता है इससे आपके आइएस का कलर पता चलता है आयरस के दरमियान में ये जो होल है इसे हम लोग पिपल कहते हैं उसके बाद आयरस के बाद ये जो ऑल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम लोग लेंस कहेंगे ये हमारे पास लेंस होता है उसके बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये सारा इस तरह से ये वाला ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं रेटिना ये वो स्ट्रक्चर होता है जिस पर जब लाइट हेट करे तो ये इमेज बनाता है ये एक मैसेज जनरेट करता है वो मैसेज होता है ये जो ऑप्टिक नर्व आपको नजर आ रही है ये ऑप्टिक नर्व वो मैसेज लेकर ब्रेन तक जाती है